एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिश ब्यूटी एंड वेलकम वेडिंग सीरीज। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप किट। जी हाँ, अगर आप अपकमिंग ब्राइड्स हैं, आपकी शादी होने वाली है और आप अपने लिए एक अच्छा सा ब्राइडल किट रेडी करना चाहते हैं, बट आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट आप परचेज करें एंड कौन से नहीं करें, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपको अपने किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। और जी हाँ, अगर आपकी शादी नहीं भी होने वाली है बट आपकी फैमिली में किसी की शादी होने वाली है, आपकी ब्रदर की, सिस्टर की, आपकी फ्रेंड्स की, तो भी आप अपना एक किट, मेकअप किट है वो रेडी कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक ब्राइडल किट दिखा देती हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वैनिटी बॉक्स है जो कि आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एक्चुअली इसमें हम जब अपना मेकअप पूरा रखेंगे ना तो सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह मिल जाते हैं और इसे कैरी करना भी बहुत ही इजी है। तो ये इस तरह से आप बॉक्स परचेज कर सकते हैं मार्केट से। तो चलिए इसे ओपन कर लिया है मैंने और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपको मिलता है। तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन सारा बेसिक से स्टार्ट करती हूँ दिखाना। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है मॉइस्चराइजर क्रीम। सबसे पहले आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, ये है लैक्मे का पीच मिल्क, और मैंने इन सभी के प्रोडक्ट के रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आपको मैं उन सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लैक्मे का ले रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है, एंड इसके बाद में मैं ले रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजर क्रीम। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी परचेज कर सकते हैं और सभी प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो मॉइस्चराइजर के बाद में आ जाता है आपको अपने फेस को करना होता है प्राइम। प्राइम करने के लिए हम लेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है इसमें भी। तो ये है एक लोटस का जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है, एंड ये है स्टे क्विर्की का। दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। और प्राइमर आपको पता है प्राइमर आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से प्राइम करता है एंड आपके ओपन पोर्स है उसे क्लोज करता है और आपके जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो प्राइमर का होना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं आपको दे रही हूँ फिट मी मेबलिन का फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अच्छा कवरेज है, मतलब मैंने इसे जब से परचेज किया है मैं मोस्टली इसी फाउंडेशन को यूज करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। तो आप इसे जरूर परचेज करिए और ये एक अफोर्डेबल भी है। एंड इसके साथ में आप ले सकते हैं लैक्मे का ये मैट फाउंडेशन है जिसे हम ये बोलेंगे फाउंडेशन पाउडर बोल सकते हैं। अगर आप इस फाउंडेशन को यूज ना करना चाहें तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये दोनों आप अपने पास में हमेशा रखिए। तो फाउंडेशन के लिए मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है, आप इसे जरूर परचेज कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमें अपने फाउंडेशन के बाद में भी हमें कुछ एरिया होते हैं जो कि हाइड करने होते हैं, जहाँ पर डार्क सर्किल जैसे कि है ना, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसे हाइड करने के लिए आपको कंसीलर ज़रूरी ही होता है। तो ये आपके पास एक कंसीलर ज़रूर होना चाहिए ताकि आपके ब्लैक स्पॉट्स वगैरह नज़र ना आए। तो ये आप एक कंसीलर ले सकते हैं, और मेरे पास है ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर, ये भी बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छा कवरेज है, तो आप ये वाला परचेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पैक्ट। तो जी हाँ, मेरे पास ये है 4 कॉम्पैक्ट, बट आप लोग कोई भी एक कॉम्पैक्ट परचेस कर लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, ये SQ का है जो कि काफ़ी अच्छा कवरेज है इसका। फिट मी का है, ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड मेरे पास है लैक्मे का, इसमें SPF भी इंक्लूड है, और अभी रिसेंटली मैंने जो परचेज किया है वो है पर्पल का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब इन तीनों के मुकाबले मुझे पर्पल का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये हो गई कॉम्पैक्ट की बात। एंड इसके बाद में हम आते हैं, हमें अपने फेस को करना होता है कॉन्ट्योर करना होता है, हाइलाइटर लगाना होता है एंड ब्लश लगाना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानती हूँ कि यार आपके पास एक ही किट होना चाहिए जिसमें सारी ये चीज़ें इंक्लूड हो जाए। आप चाहे तो अलग अलग परचेज कर सकते हैं, अलग से आपका कॉन्ट्योर भी मिलता है, ब्लश भी मिलता है, बट मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है तो ये वाला जो किट है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया है। और इसमें मैंने बहुत सारे इसमें ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने इसे इसलिए परचेज किया क्योंकि इसमें मुझे कॉन्ट्योर ऑप्शन, हाईलाइट का और ब्लश तीनों ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, एंड यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हम कॉन्ट्योर कर सकते हैं, ब्रॉन्जिंग के लिए भी आपको कलर दे रखा है, एंड पिंक जो है आप ब्लश यूज़ कर सकते हैं और हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि आपके पास, आप इतना सारा एक साथ कैरी न करना चाहें तो आप एक ही ऐसा ले लीजिए किट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो। तो यहाँ पर ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये है
क्लेमी ब्लश पैलेट है इसका नाम। मैं आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं आई मेकअप की ओर। आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी हर ड्रेस के अकॉर्डिंग आप आई मेकअप बहुत ही डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही पैलेट सजेस्ट करूंगी कि ये पैलेट तो मतलब रियली में आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और मैंने भी इसे अभी रिसेंटली परचेज किया है। तो मैं बात कर रही हूँ मॉर्फे का है ये, मॉर्फे जैकलिन हील्स पैलेट है ये। ये देखिए मॉर्फे जैकलिन हील्स पैलेट, और इसके जो शेड है ना वो रियली में बहुत ही डैम गुड है इसके सारे शेड। और सबसे अच्छा इसका जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज है। आप देखिए इसमें ऑलमोस्ट सभी शेड हमें मिल जाते हैं, मतलब आपकी ऑलमोस्ट सभी ड्रेसेस के साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा ये पैलेट। तो मैंने इसे इसलिए अपने इस मतलब किट में इंक्लूड किया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे अच्छी चीज़ है इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत बहुत ऑसम पिगमेंटेशन है। इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, बहुत ही जल्दी आपको मैं रिव्यू भी लेकर आऊँगी। आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। तो आप देख सकते हैं ये पैलेट मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई मेकअप में हमने आई शेडो की बात कर ली है, तो अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं मस्कारा। मस्कारा भी बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे तो आपको अपने आईलैशेस भी रखनी चाहिए बिकॉज अभी आईलैशेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और बहुत ही प्यारी भी लगती है। तो आप एक से दो आईलैशेस परचेज कर लीजिए, किसी भी ब्रांड में आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मंगा लीजिए। और आप मस्कारा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास है आइकॉनिक मस्कारा लैक्मे का, ये काफ़ी अच्छा है, आपकी आईज आपकी जो लैशेज है उसको बहुत ही अच्छे से कर्ल करता है। तो ये ऑप्शन आप रख सकते हैं। एंड इसके बाद में हम लाइनर की बात करते हैं, तो आईलाइनर में आपके पास लैक्मे का जो लाइनर है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। और इसका जो पॉइंट है ना, जब आप इसे एज ए विंग जब बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली ये बहुत ही ईजिली चलता है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला सजेस्ट करी हूँ, तो आप इसे अपने पास ज़रूर रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाती है काजल की बात। तो काजल आप चाहें तो कोई भी परचेज कर लीजिए, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली पर्पल का काजल ट्राई किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पर्पल का भी ले सकते हैं और आप स्टे क्विर्की का काजल भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर है, तो काफ़ी अच्छा है काजल। एंड इसके बाद में हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट होने के बाद में हम आ जाते हैं अपनी आईब्रोज को फिल करना, बिकॉज आईब्रोज को फिल करने से आपका जो मेकअप है ना वो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। तो आईब्रोज के लिए आप आईब्रो पेंसिल वो लीजिए जिसमें साथ में स्पूली हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा सही रहता है। मैंने पहले दो तीन आईब्रो पेंसिल परचेज तो कर ली थी लेकिन उसके साथ स्पूली नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा हैक्टिक हो जाता है लगाने में। तो ये काफ़ी अच्छी है, इस तरह से देखिए इसमें आपको स्पूली मिलती है, तो आप अपने जो हेयर है ना उसे सही डायरेक्शन में ले सकते हैं। एंड इसके बाद में सेकेंड इस साइड में आपको जो पेंसिल है वो मिल जाती है, उसके बाद में आप इसे फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। और ये जो है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है मिस क्लेयर की, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल है आईब्रो पेंसिल। एंड इसके बाद में सॉरी, मैं सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था जब मॉइस्चराइजर क्रीम की बात हुई थी, तो आपके पास एक लिप केयर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है निविया का लिप केयर जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी परचेज कर सकते हैं, बिकॉज लिप्स आपके बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रहते हैं, इसलिए लिप केयर ज़रूर किट में आप ऐड करिएगा। एंड नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं लिपस्टिक, लिपस्टिक से हमारा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर लिपस्टिक के लिए मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो बहुत सारे शेड्स होते हैं लिपस्टिक के, आप अपने मनपसंद के कोई भी शेड ले लीजिए। अगर आप ब्राइड हैं तो आपके पास ये कलर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि मैं आप बात कर रही हूँ सबसे पहले रेड कलर। जी हाँ, जब आप नई नई दुल्हन बनते हैं तो आपको मोस्टली रेड कलर ही लगाना होता है हर ड्रेस के साथ में, और हर ड्रेस के साथ रेड कलर बहुत ही ईजिली जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अफोर्डेबल की बात करें तो फिर है एनवाई बे में ये रनवे की जो लिपस्टिक है ये रेड कलर है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है इसका, काफ़ी पसंद है मुझे। तो आप भी इस तरह से रेड कलर ले सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको एक पिंक का शेड भी रखना चाहिए, तो पिंक के लिए जो मैं बात कर रही हूँ वो है मेरे पास में स्टे क्विर्की की है ये पिंक लिपस्टिक। तो इसके लिए जो इसका शेड है वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पर, तो आप ये वाला शेड पिंक शेड भी अपने पास में इजीली रख कैरी कर लीजिए। एंड इसके बाद में आता है थोड़ा सा न्यूड शेड, अभी न्यूड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप न्यूड शेड भी अपने पास रखिए। और अफोर्डेबल की बात करें तो एलेटिन की जो है ये न्यूड शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे चाहे तो परचेज कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा कलर है न्यूड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला कलर, तो आप चाहे तो न्यूड शेड ले सकते हैं। बट अगर आप
न्यूली मैरिड है तो फिर आपको ऑलमोस्ट रेड कलर ज्यादा प्रिफर करने चाहिए. एंड मेरे पास एक ये है एम्स्टर्डम की, ये भी न्यूड शेड है तो ये भी काफी अच्छा है, लिक्विड लिपस्टिक है ये. तो ये कुछ लिपस्टिक के शेड्स थे. वैसे तो लिपस्टिक सब लोग अपने पसंद की ही लेते हैं, तो आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं आप वो सारे इंक्लूड कर सकते हैं. मैंने जनरली आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेकअप ब्रशेस की. और मेकअप ब्रशेस भी आपके पास बहुत ज़रूरी है होने, क्योंकि हमें कई बार मेकअप ब्रशेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हम फिंगर से हर चीज़ नहीं ब्लेंड कर सकते. जहाँ तक मेकअप ब्रशेस से बहुत अच्छा कवरेज हमें मिलता है वो फिंगर से नहीं मिल पाता. तो ये आप एक अपना नॉर्मल सा अफोर्डेबल ब्रशेस ले लीजिए. इसका मैं रिव्यू करूंगी अलग से, लेकिन ये बहुत अच्छा है. मैंने रिसेंटली इसे न्यू परचेस किया है, इसका जल्दी ही मैं रिव्यू लेकर आऊंगी. और इसके बाद में जो पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद में लास्ट आ जाता है परफ्यूम. जी हाँ, ये भी एक मेकअप ब्राइडल किट में ही इंक्लूड होता है. बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस का आपके पास एक परफ्यूम होना चाहिए. तो ये मेरे पास है एक अडिडास का परफ्यूम जो कि विमेन परफ्यूम है और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है. तो आपको जो भी पसंद है आप अपने पास रख सकते हैं. बाकी सभी प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारा कंप्लीट आपके पास शेयर कर दिया है. चलिए दो प्रोडक्ट और देख लेते हैं. आपके पास होनी चाहिए हमेशा अपने ब्राइडल किट में वेट वाइप्स, बिकॉज जब भी आप अपने मेकअप को रिमूव करेंगे, मेकअप करने से पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे, तो उसके लिए आपके पास एक वेट वाइप्स का जो छोटा सा पैक है ना वही रख लीजिए. तो इस तरह से होना चाहिए. तो ये है रूप मंत्रा का, काफी अफोर्डेबल है ये. एंड लास्ट जो चीज है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके पास होनी चाहिए ईयरबड्स. अब आप पूछेंगे इसकी क्या जरूरत है. तो ईयरबड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज जब हम आईलाइनर लगाते हैं और हमारा आईलाइनर थोड़ा सा भी फैल जाता है ना, तो उस कंडीशन में ईयरबड बहुत काम आती है. आप इजीली इससे रिमूव कर सकते हैं, तो इसको जरूर अपने किट में शामिल करिएगा. तो ये मैंने आज आपके साथ जो शेयर की है सारे प्रोडक्ट, आई होप आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर हेल्पफुल रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. और आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं या आप कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो आप देख चुके हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, सारी वीडियोज बहुत ही अच्छी वाली आने वाली है. एंड जो ओल्ड वीडियो मैंने डाल रखी है उसमें इन सभी प्रोडक्ट के मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप जरूर देखिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और जी हाँ, शेयर जरूर करिए सभी के साथ में आप इस वीडियो को, ताकि सबको हेल्प मिले. तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय.